नमो नमः। हम आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश पर अर्थ अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दीपक अलंकार के विषय में जानेंगे। दीपक अलंकार का लक्षण देते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है, सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम सैव क्रियासु भव्येषु कारकस्येति दीपकम्। दीपक अलंकार क्या है? वह है जो प्रकृत यानी कि जो प्राकरणिक है या उपमेय है, तथा अप्रकृत यानी अप्राकरणिक है अर्थात उपमान रूप है, उनके क्रियादि रूप धर्मों का एक ही बार ग्रहण किया जाए, अथवा जहां पर एक ही क्रियादि रूप धर्म का अनेक कारकों के साथ में संबंध हो वह दीपक अलंकार कहलाता है। बहुत सी क्रियाओं के साथ में एक ही कारक का ग्रहण किया जाता है। प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थात उपमान और उपमेय का क्रियादि रूप जो धर्म का जो एक ही बार ग्रहण किया जाए वो यहाँ पे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दहली दीप न्याय से। दहली दीप न्याय क्या होता है कि एक दीपक है जो दहली पर रखा हुआ है, जिस प्रकार वो दहली के बाहर और भीतर यानी घर को बाहर और भीतर दोनों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वाक्य में केवल एक बार ही ग्रहण किया गया क्रियादि रूप धर्म अनेक कारकों के साथ संबद्ध होकर के यानी एक जगह में स्थित होकर के संपूर्ण वाक्य का दीपक होने के कारण दीपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है, फुल वालिका नाम स्तनहा, कृपणा नाम धनम, नागा नाम फणमणि, केसरहा सिंगा नाम, कुल बालिका नाम स्तनहा, कुतहा स्पृशन्ते अमृता नाम। क्या कह रहे हैं? कृपणों का धन, सर्पों के फनों की मणि, सिंहों के केसर बाल, कुलीन बालिकाओं के स्तनों को उनके जीवित रहते हुए कैसे छुआ जा सकता है, यानी कोई भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता। यहाँ पर क्रिया है, एक है स्पृशन्ते, यह एक ही क्रियापद है, उसके साथ में धन, फणमणि, केसर और कुल बालिकाएं जो है उनके स्तन आदि अनेक कारकों का संबंध होने के कारण यहाँ पे दीपक अलंकार है। उसका ये क्रिया दीपक जो अलंकार उसका भेद उसका उदाहरण है। इसमें वर्णनीय कौन है? प्रकट क्या है? उपमेय क्या है? कुल बालिकाओं के स्तन प्रकट हैं यानी उपमेय रूप में है, और कृपणों का धन, नागों की फणमणि, सिंहों के केसर आदि सभी अवर्णनीय हैं, अप्रकट हैं, उपमान रूप हैं, और उनके प्रकट अप्रकट दोनों का एक ही क्रिया का अनेक कारकों के साथ संबंध होने के कारण और एक ही जगह प्रयुक्त पद पूरे वाक्य को दीपक की तरह प्रकाशित करने के कारण यह दीपक अलंकार कहलाता है।